So, welcome in this session. Now the news is ki hawker culture in Singapore, yani ki fadi lagane wale, unko bhi UNESCO ki intangible cultural heritage ki list mein, intangible cultural history of humanity ki list mein rakha gaya, kyunki lambe samay tak aisa ho raha hai ki गली गली फिरके सामान बेचना, ठीक है, कहीं पर गली कूचे में एक छोटी सी दुकान लगाकर सामान बेचना, तो ये हॉकर्स का काम है, ठीक है जी। खास करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए सामान बेचना, तो क्योंकि ये हम ह्यूमन बीइंग्स में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, सिंगापुर भी लंबे समय से चला आ रहा था, तो सिंगापुर के हॉकर सिस्टम को, हॉकर कल्चर को हमने इनटेंजिबल कल्चर मानते हुए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में यूनेस्को ने डाला है। क्लियर। अब ये जनरल स्टडीज के पेपर वन कल्चर का भी पार्ट है, जनरल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पार्ट है, ओके। और इसमें मेन मेन की टेक अवेज अब मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये बताऊंगा कि ये कब हुआ, ठीक है। ये देखिए, ऑनलाइन सेशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल कमिटी का, IGC का, ठीक है जी। 15th सेशन था ऑफ IGC, ये वेट 15th सेशन ऑफ IGC इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, और ये ऑनलाइन सेशन हुआ है, ओके। और इट इज अ लिविंग heritage shared by those who prepare hawker food and those who dine and mingle over hawker food in community dining spaces called hawker centers. ये बहुत famous है इंडिया में भी, ठीक है, even कि food courts में भी open में जहां पर कई stalls लगे होते हैं उसका खाना आप एक जगह बैठकर खा सकते हैं, वो भी है। और इस कल्चर का पार्ट सिर्फ सामान बेचने वाला नहीं है, वहां बैठकर खाने वाले भी हैं, those who dine and mingle over hawker food, ठीक है जी, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे नजदीक आते हैं। फिर इट रिफ्लेक्ट्स सिंगापुर्स मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी, इसे क्या सामने दिखाई देती है, कितने कल्चर्स प्रिवेल कर रहे हैं सिंगापुर में, ओके। और क्या है लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, पहले इंटेंजिबल वर्ड को आप पकड़े हैं। दो तरह के एसेट्स होते हैं, पहला तो टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको देख सकते हैं, हाथ लगाकर टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल है, पर जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो है इंटेंजिबल, ओके। फिर यूनेस्को की इस लिस्ट के बारे में कुछ जनरल बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, पहले दिस लिस्ट इज मेड अप ऑफ दोज इंटेंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स दैट हेल्प डेमोंस्ट्रेट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, जिससे डाइवर्स कल्चर हेरिटेज दिख रही है, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ये 2008 में पहली बार लिस्ट बनी थी, ओके। कब बनी थी, एक कन्वेंशन हुई थी फॉर सेफ गार्डिंग द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2008 में, ओके। और किस बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, यूनेस्को ने। अब क्या क्या चीजें, ठीक है, हमसे जुड़ी हुई है जो इसमें एडिट है, जैसे कि योगा 2016 में एड हुआ, ठीक है, देन पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, कुंभ का मेला, फिर वैदिक चैंटिंग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में लिखा है उसको पढ़ना गाना, ठीक है, देन रामलीला, कितने लंबे समय से भारत में रामलीला होती है, रामलीला का आयोजन, देन इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आप इजीली देख सके, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेट, ये देखिए, आई होप आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों आपको, लो एक लगा और बड़ा कर दिया। फिर
Kutiyattam Sanskrit Theater. Then Ramana. Religious festival ritual theater of the Gadwal. Gadwal mein Ramana banaya jata hai. Theek hai. Wo. Phir Buddhist chanting of Ladakh. Ladakh ke jo Buddhist hai jo wo bhajan gaate hai. Theek hai. Then Sankirtan, ritual singing, drumming and dancing of Manipur. Manipur ka lok nritya. Theek hai. Then traditional bass and copper craft of utensil making among the Thatheras of Jandiala Guru, Punjab. ये देखो जंडियाला गुरु एक जगह है पंजाब में अमृतसर के पास में. पूछिए बच्चे क्वेश्चन पूछना अगर आपने. Sir, in this list only Indian traditions are included. All over world. ये इंडिया वाले बता रहे हैं. हम आपको इंडिया वाले बता रहे हैं. ठीक है जी. Okay sir. लिखा हुआ है ना कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया की लिस्ट बता रहा हूँ ये मैं आपको. यूनेस्को तो ऑल ओवर वर्ल्ड का. सिंगापुर वाली चीज तो आपने बताई तो है कि सिंगापुर का हॉकर कल्चर ऐड हुआ है. तो ऑफ कोर्स सिंगापुर इज आउट ऑफ इंडिया. ओके. पर इंडिया की ये 13 चीजें हैं. अब ये देखो जंडियाला गुरु. मैं इस जगह पर गया भी हूँ. एक बार स्कूल में गया था जंडियाला गुरु. इट इज नियर पंजाब. अब वहां पर